कोई एबसेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो फीस कलेक्शन ऑटोमैटिक मार्केटिंग कैसे करेंगे टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना टीचमेंट अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर चाहे जैसी भी जरूरत हो टीचमेंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप गाइस वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा था कि दिन में आपको एक वीडियो मिला था जिसमें कि आप बीएड कर सकते हैं वो भी कि बहुत ही कम पैसों में तो उसके सिलेबस के बारे में जैसा कि आपने कहा था व्यूज भी काफी अच्छे खासे आए तो आपने कहा था कि मैम इसका सिलेबस के बारे में बताइए तो खैर हम इसके सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो ये रहा जामिया बी एड के लिए और डिटेल्स जानकारी मिलेगी कट ऑफ मिलेंगे सिलेबस मिलेंगे लास्ट ईयर पेपर भी है आपको मैं बता दूंगी लिंक भी दे दूंगी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेलाइकन और क्लिक कर दीजिए तो ये देख सकते हैं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉलेज को तो आप देख लीजिए इस बार ये खुशखबरी है कि पटना में आपका पेपर हो रहा है यानी कि आप जिस स्टेट में टोटल छ स्टेट में पेपर हो रहा है तो ये कॉलेज है देख सकती हैं माशा अल्लाह बहुत खूबसूरत है तो ये इंट्रेंस फॉर्म जो आपके निकल चुके हैं आपके रहने कितने चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ विद आपके पचास से कम मार्क्स नहीं रहने चाहिए ओके और जो भी एस सी है उनके लिए फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स ही है फिर देखते हैं कि आप यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें क्या है आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे हैं नेक्स्ट चलते हैं क्या कि न्यू दिल्ली में ये कॉलेज देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत है अब जामिया बीएड का एडमिट कार्ड आपका जब आएगा तो आएगा यहाँ से देख लीजिए आप तीन प्रकार के बी होते हैं एक बी स्पेशल होता है एक बी नर्सरी होता है और एक सिंपली बी तो आपको फिलहाल ये वाले बी करना है ये वाले जो भी करने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं तो इसका सिलेबस के बारे में एंट्रेंस पेपर होंगे और दोनों मोड में होंगे नाउ इस बुक को भी आप खरीद सकते हैं यहाँ पे लिंक दिया गया है अब चलिए हम इसके सिलेबस में आप कट ऑफ कितनी जाती है यानी कि पिछले साल कितने गए थे तो ये कट ऑफ है आपका इस स्पेशल नर्सरी का तो जनरल वालों को 103 से टोटल मार्क्स होता है 170 नंबर का एग्जाम होता है जिसके लिए आपको 180 मिनट दिए जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कितने कितने हैं लास्ट ईयर कट ऑफ जैसे कि सारे के सारे मीडियम्स में निकलते हैं और देन यहाँ पे रिजल्ट खैर इस ऑफ से तो अभी कोई मतलब नहीं है वो जैसे पेपर आएंगे वैसे होंगे तो आपको हम अब सिलेबस के बारे में आपको दिखा दे तो ये यहाँ पे सिलेबस है सिलेबस के बारे में आप देख लीजिए बीएड है टोटल 180 मिनट का एग्जाम होता है यानी कि तीन घंटे का 170 नंबर के क्वेश्चन है सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग यस या नो तो नेगेटिव मार्किंग तो है यानी कि आपको कंट्रोल तो एकदम करना पड़ेगा आप सोच लीजिए इतने कम फी में है दो में है बहुत सारे बच्चे भरते हैं बाहर के भी तो जाहिर सी बात है की वो नेगेटिव मार्किंग नहीं लगाएंगे तो कहाँ से होने वाला है तो जनरल इंटेलिजेंस आपको तीस नंबर के पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड तीस नंबर के पूछे जाते हैं और करंट अफेयर तीस नंबर के पूछे जाते हैं ये सारी है फिर जनरल साइंस जनरल साइंस नंबर के पूछे जाते हैं सोशल साइंस नंबर के पूछे जाते हैं और जनरल न्यूमेरिकल आपको नंबर के पूछा जो लैंग्वेज रहते हैं यानी कि हिंदी इंग्लिश आपने जो चूज किया है उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यानी कि टोटल कितने हो गए नाइन्टी मार्क्स इधर और अस्सी नंबर इधर हो गए यानी कि टोटल एक सौ सत्तर मार्क्स का आपका पेपर होता है आई होप कि आपको अब ये सारी जानकारी मिल चुकी होगी भाई सीटें हैं तो ऐसी कट ऑफ हो जाएंगी ही उसके लिए आपको टेंशन नहीं है बस कंट्रोल करना है ये सारी चीजें आपको पढ़नी है ये सिलेबस है जो आपको पूछा जाएगा तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमको दिल्ली के बारे में पूछेगा जामिया के बारे में तो जनरल यहाँ पे कुछ भी ऐसा है नहीं इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि आपको उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे एक दो क्वेश्चन पूछे भी गए तो जो आप बना सकते हो तो नेगेटिव मार्किंग रियली में है तो चलिए अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी अब बताइए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ शुभरात्रि धन्यवाद